जय माँ काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी की वो बड़ी भर्ती जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे। जी हाँ, वो बड़ी भर्ती आप लोग की आ चुकी है। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वो बड़ी भर्ती है आप लोग की कांस्टेबल किचन सर्विस। जी हाँ, कांस्टेबल किचन सर्विस 800 प्लस आप लोग की वैकेंसी, NSTF लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा गया। पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। हाइट वेट चेस्ट क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो लिंक आप लोग को दिया गया है वेबसाइट पे। इसको जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग का जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन में आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी। वहां जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए, पूरी जानकारी मिलने वाली है। फॉर्म अप्लाई से पहले नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी ले लीजिए, आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। आईटीबीपी में आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस 2024, मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज 2 सितंबर 2024 से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 1 अक्टूबर 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2024 है। इसके अलावा आप लोग की जो वैकेंसी की जानकारी दी गई है, कांस्टेबल किचन सर्विस 819 टोटल पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी में वैकेंसी है, मेल फीमेल। जी हाँ, बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है काफी लंबे समय के बाद। 10% वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो पे की जानकारी दी गई है, सैलरी आप लोग की 21,769,100 सैलरी रहेगी। जी हाँ, 7 CPC लगने वाली है। इसके अलावा आप लोग को अदर अलाउंसेस जो भी मिलते हैं वो सब कुछ मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो कांस्टेबल किचन सर्विस के लिए एज आप लोग की 18 से 25 है, 18 से 23 नहीं है, 18 से 25 साल आप लोग की एज यहां पे की गई है। जनरल वालों के लिए ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट यानी कि 18 से 28 साल तक, SC ST को 5 साल का बेनिफिट यानी कि 18 से 30 साल तक SC ST वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे आप लोगों से एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, NSTF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन। जी हाँ, NSTF लेवल 1 का आप लोग का सर्टिफिकेट मांगा गया है फूड प्रोडक्शन में या फिर किचन में, फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से या फिर उसके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने ये कोर्स कर रखा हो। NSTF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन या फिर NSTF लेवल 1 किचन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एज की जानकारी आप लोग को दी गई है, क्रूशियल डेट, एज जो आप लोग की काउंट होने वाली है वो 1 अक्टूबर 2024 से आप लोग की एज काउंट होने वाली है, यानी कि फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसी डेट को आप लोग अपनी एज को काउंट करेंगे और इससे पहले आप लोग के पास सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को SC ST OBC EWS, जी हाँ, क्लोजिंग डेट से पहले आप लोग के पास SC ST OBC सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होने चाहिए और EWS वगैरह सारी चीजें, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास लास्ट डेट यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले आप लोग के पास होने चाहिए। बेनिफिट जो भी मिल रहे हैं SC ST को मैंने जानकारी दे दी है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड, जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफी बच्चे वेट कर रहे थे सर हाइट क्या रहेगी। प्रीवियस में 170 हाइट ली जाती थी, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि वेट कीजिए, हाइट में आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा और बिल्कुल वही आप लोग को हाइट में बेनिफिट देखने को मिल रहा है। फॉर ऑल कैंडिडेट यानी कि यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी से आते हैं, मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट, 170 नहीं है, 165 हाइट ली जा रही है, और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट ली जा रही है। चेस्ट की जानकारी दी जाए तो 75.5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का मिनिमम आना चाहिए और इसी प्रकार से आप लोग ST हैं और UT डायरेक्ट एक्सेप्ट गिवन, ठीक है, इनमें से आप लोग आते हैं इसकी डिटेल दी गई है। ST हैं आप लोग और यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीम इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। तो जनरल ओबीसी ST से आप लोग आते हैं तो 165 मेल और 155 फीमेल आप लोग की हाइट है। इसी प्रकार से गढ़वाली कुमारी गोरखा डोगरा मराठा मेल कैंडिडेट 162.5 और फीमेल है तो 152 आप लोग की हाइट है। 75 और 80 यहाँ पे आप लोग की मिनिमम जो है चेस्ट होनी चाहिए फुलाव के बाद। इसके अलावा आप लोग को जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो भी GTA कंप्रेसिंग सब डिवीजन दार्जिलिंग वगैरह की जानकारी दी गई है, तो हाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दी है। यहाँ पे 170 हाइट आप लोगों की नहीं ली जा रही है, 165 ली जा रही है। मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी ध्यान रखिएगा।
मेडिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आप लोग को दी गई है और मेडिकल की जानकारी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई आप लोग ऑनलाइन अप्लाई होंगे, पूरी पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। वेट कीजिए किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया है, जो भी आप लोग के एससी एसटी ओबीसी से आते हैं वो सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। 100 रुपए की फीस लगेगी यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो। फीमेल हैं आप लोग, यदि आप लोग फीमेल हैं और एससी एसटी से आप लोग आते हैं, कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। और इसके अलावा आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप लोग का पीईटी पीएसटी होने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। आप लोग का सबसे पहले फिजिकल होने वाला है, जी हाँ, फिजिकल ही सबसे पहले आप लोग का होगा। और फिजिकल का एडमिट कार्ड जो भी आप लोग निकालेंगे वो आप लोग लेकर के जाएंगे फिजिकल सेंटर पे। आप लोग देख सकते हैं फिजिकल में आप लोग का पीईटी, मेल कैंडिडेट की जानकारी दी गई है, नीचे फीमेल कैंडिडेट की जानकारी दी गई है। मेल कैंडिडेट यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग है, 7.5 मिनट का समय मिलेगा, 11 फीट की लॉन्ग जंप है 3 चांस मिलेंगे, 3.5 फीट की लॉन्ग जंप है, हाई जंप है आप लोग की 3 चांस मिलेंगे। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर की रनिंग होगी, 4:45 सेकंड का समय मिलेगा। और इसी प्रकार से लॉन्ग जंप आपकी रहने वाली है, 9 फीट 3 चांस आप लोग को मिलेंगे फीमेल कैंडिडेट, और 3 फीट हाई जंप आप लोग की 3 चांस यहाँ पे मिलने वाले हैं। पीटी पीएसटी के कोई नंबर आप लोग को मिलने नहीं वाले, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग का पीईटी पीएसटी ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पीटी पीएसटी आप लोग का होगा। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के, जो बच्चे पीटी पीएसटी यानी कि फिजिकल क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल, उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सभी को 50 नंबर का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान थे, जी हाँ, 50 नंबर का आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आप लोग की जीके आएगी, मैथ आएगी और इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे देख सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला, 1 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का और 1 घंटे का आप लोग का पेपर यहाँ पे होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग चूज करेंगे, जो भी 10 क्वेश्चन है, जी हाँ। पासिंग मार्क्स आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन है 35%, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आते हैं 33% आप लोग की मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को दिए गए। आंसर की वगैरह आप लोग की आईटीबीपी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आने वाले समय में आप लोग को जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा आप लोग को जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगने वाली है, जी हाँ, रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आप लोग का होने वाला है ये आप लोग का मेडिकल के समय होने वाला है, बिल्कुल क्लियर किया गया है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी आपका मेडिकल होगा तब आप लोग का होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है बच्चों के नंबर सेम होते हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जानकारी आप लोग को दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जो कि मेडिकल से पहले आप लोग का ले लिया जाएगा वहां पे, उसके बाद आप लोग का मेडिकल स्टार्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, 10th क्लास वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई मांगा गया है तो यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 मांगा गया है, तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 आपको लेकर के जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जी हाँ। फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट से पहले आप लोग का जो सर्टिफिकेट आप लोग के पास होने ही चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले आप लोग के पास होने ही चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को बता दिया गया है हाइट चेस्ट में यदि आप लोग छूट चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आप लोग के पास आधार, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि एक आईडी प्रूफ आप लोग के पास होना ही चाहिए। डीएमई की मेडिकल की जानकारी आप लोग को दी गई है तो मेडिकल के लिए मैं आप लोग को एक विस्तार से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। हाइट में आप लोग को रिलीफ मिल रहा है, एज आप लोग की ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप लोग का रिटर्न एग्जाम यहाँ पे 50 मार्च का आने वाला है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोग को दी गई हैं, रीड कीजिए, मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया है। और इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तो बड़ी भर्ती है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम, बट जानते पहले आप लोग से ही कहूंगे चैनल पर चलो सब्सक्राइब करो, लाइक बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू नेक्स्ट टाइम।